हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। आज हम एक ऐसे सिंगर का, एंटरटेनर का, जिनको आप एक्टर भी बोल सकते हैं, सिंगर भी बोल सकते हैं, परफॉर्मर भी बोल सकते हैं, बहुत सारे रूप हैं, उन पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिनको आप सब ने बहुत ज़्यादा, आप सबको एंटरटेन करते देखा है, गाना गाते सुना है, ऑफकोर्स सिंगिंग पैम। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. So, आप इतने फ्रेश लग रहे हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से अपना क्वारंटाइन स्पेंड कर रहे हैं आदित्य? काफी वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं ज्यादा करने के लिए। और जब इतना समय होता है तो या तो आप बहुत फिट हो सकते हैं या तो आप बहुत मोटे हो सकते हैं। तो अंकुर, थोड़ा सा पर्दा खोल देना प्लीज। तो पहले कुछ दिन ऑब्वियसली जब हमें ये न्यूज मिली थी कि हम थोड़े भाई थोड़ा बोला एक इतना बस, तो खाना पीना काफी बढ़ गया और उसके बाद थोड़ा वजन भी बढ़ गया। और फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर ये ऑब्वियसली उस वक्त 21 दिन का लॉकडाउन था तो मुझे लगा कि अब 21 दिन अगर मैं ऐसे ही खाता पीता गया तो काफी हेल्दी हो जाऊंगा। और फिर ऑब्वियसली अच्छा हुआ कि मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि फिर ये 21 के बदले में 40 दिन का लॉकडाउन हो गया और 40 दिन में तो मैं डेफिनेटली अच्छे ढोल की तरह फटता मैं। तो इसीलिए द गुड पार्ट इज दैट मेरे घर पे ट्रेडमिल भी है और कुछ वेट्स भी हैं और आई कैन शो यू, दैट्स माय ट्रेडमिल। वाओ, और थोड़े कुछ वेट्स हैं और मतलब यू नो यू हैव टू गेट लिटिल इनोवेटिव। थोड़ा सा यूट्यूब का भी सहारा लिया मैंने वर्कआउट सीखने के लिए, लेकिन ऑल इन ऑल या दैट्स मोस्टली व्हाट आई एम डूइंग। साथ ही साथ खाना पीना, झाड़ू पोता, यू नो। यहाँ पे आदि की प्रिंसेस एक फैन है आपकी, उन्होंने आपको एक रैंडम सवाल पूछा, आज लंच में क्या बनाया? आज लंच में चना, चावल, दाल और उबाली हुई ब्रोकली। वाओ, दैट्स नॉट सो व्हाट इवन आई थिंक हम लोग तो नहीं खाना प्रेफर करेंगे बिकॉज यू आर सो हेल्थ कॉन्शियस। यूजुअली जो है आप अपने लंच में या डिनर में क्या सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं अदर देन बॉइल्ड फूड? खाना पसंद करते हैं? हाँ, वही सारी चीजें जो हम सब खाना पसंद करते हैं, यू नो। पहले मैं बहुत, मैं आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन तो मैं बटर चिकन बहुत खाता था, तो अब पनीर, पनीर मखनी, बटर नान, जबरदस्त बटर लगा के गर्मा गर्म, और साथ ही साथ मकई की रोटी, सरसों का साग, ओहो हो, और बस थोड़ा गुलाब जामुन, थोड़ी सी फिरनी, कुछ पैनकेक्स। So, जितने फैंस यहाँ पर ये सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि आप सबके भी मुंह पे पानी आ गया होगा जैसे मेरे मुंह पे आ रहा है। बट अच्छा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया, आदि ने बोला है टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज आदित्य विश मी। आदि, हाय आदि, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और अनफॉर्चुनेटली आपके बर्थडे मंथ में थोड़ा गड़बड़ हो गया दुनिया में, बट यू नो आई एम श्योर यू आर एट होम एंड यू आर सेफ विद फैमिली। So enjoy your day and enjoy your year. Wish you lots of love, good health, happiness. Aditya, आपका you know usually हमने देखा है कि आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को entertain करते हैं, चाहे वो acting करके हो, चाहे वो you know comedy करके हो। हमने देखा था खतरा 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 में, तो I really loved you, you know, जब भी आप कोई भी stunt करते थे या कोई भी एक ऐसा वो होता था ना, तो जिस तरीके से आप expression देते थे that used to be very entertaining. फिर चाहे गाना गाना हो, हाल ही में इतने सारे यू नो आपके एल्बम्स आए, दो एल्बम्स आए हैं और दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे एल्बम्स हैं, चाहे यू नो दोनों ही गाने अच्छे हैं, तो दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मुझे बताइए? बहुत अच्छा रहा और यू नो फॉर मी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू क्योंकि बचपन में, आई एम श्योर यू आर आल्सो वेरी यंग इन द 90s, तो उस वक्त चैनल वी और एमटीवी आता था टीवी पे, और उस अब तो पता नहीं क्या क्या दिखाने लगे हैं, बट एट दैट टाइम दे यूज्ड टू ओनली शो म्यूजिक वीडियोस, और दिन में वो हिंदी म्यूजिक वीडियोस दिखाते थे, रात में इंग्लिश म्यूजिक वीडियोस दिखाते थे। तो हम जो है, मैं तो मतलब दिन रात मैंने कार्टून नेटवर्क का भी साथ छोड़ दिया था एक पॉइंट के बाद, मैं सिर्फ चैनल वी और एमटीवी देखता था और ये म्यूजिक वीडियोस देखता था, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ये बात छप गई थी कि आगे जाकर मुझे भी यू नो आई वांट टू बी अ पॉप स्टार लाइक दीज गाइज, आई वांट टू बी अ रॉक स्टार लाइक दीज गाइज, माइकल जैक्सन हो,
या उस वक्त बैक स्ट्रीट बॉयज बहुत फेमस थे, और साथ ही साथ हमारा जो इंडी पॉप सीन था वो भी बहुत थ्राइविंग था. सोनू भैया, सोनू निगम, शान, लकी अली, अलीशा चिनाए, एंड यू नो सो मेनी गुड सॉन्ग्स. आई एम फॉरगेटिंग द लेडी हू सैंग परी हूं मैं, फाल्गुनी पाठक, एंड यू नो देयर वाज अ प्रॉपर नॉन फिल्म इंडस्ट्री एट दैट टाइम. फिर बीच में कहीं ना कहीं यू नो द म्यूजिक बनना बंद हो गया था कुछ सालों के लिए, एंड देन समटाइम इन अर्ली 2010s दिस ट्रेंड स्टार्टेड अगेन. और फॉर्चुनेटली यू नो आई ऑल्सो आई वॉज यंग बाय देन, मतलब मैं जवान हो चुका था, एंड डूबा रहा. इनफैक्ट जो मेरा नया सिंगल है ये हमने बनाया था 2014 में, सो इट्स अ सिक्स ईयर ओल्ड, इट्स अ सिक्स ईयर ओल्ड सॉन्ग. और उस वक्त ही मुझे मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये गाना मैं एक एग्जॉटिक बीच में शूट करूंगा, वरना शूट ही नहीं करूंगा. और मेरे पास एग्जॉटिक बीच क्या, मेरे पास मड आइलैंड में भी शूट करने के पैसे नहीं थे तभी, तो सो आई डिसाइडेड टू वेट इट आउट. जब तक मेरे पास यू नो वो रिसोर्सेज नहीं हो और वो पैसे ना हो इस गाने को शूट करने के लिए. और फाइनली लास्ट ईयर आई थिंक सम टाइम लास्ट ईयर आई रियलाइज कि अब मैं यू नो मेरे पास थोड़े अपने सपनों को साकार करने के लिए एनर्जी आ गया है, पेट्रोल आ गया है, इसको मैं पेट्रोल बुलाता हूँ, तो मेरे पास फ्यूल आ गया है. एंड देन वी प्लान्ड दिस शेड्यूल और आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मालदीव्स एंड द गवर्नमेंट ओवर देयर, तो दे वर वेरी अकोमोडेटिंग. और मैंने उनको बताया कि यू नो आई वुड लव टू शूट सम म्यूजिक वीडियोस, और एंड दैट्स हाउ लिल्ला एंड डूबा हैपेंड. सो इट्स एक्चुअली अ सिक्स ईयर ओल्ड song and it's a roughly 20 year old dream which is being becoming a reality now. क्योंकि ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. अच्छा आदित्य, आपने आपको पर्सनली रीमिक्स का जो जॉनर यू नो जो चल रहा है आजकल, एक दौर चल रहा है रीमिक्स गानों का कि हर पुराने गाने को रीमेक करके बनाया जा रहा है, यू बिलीव इन ओरिजिनल्स और डू यू बिलीव इन रीमिक्सेस? इफ आई बिलीव्ड इन रीमेक्स देन आई वुड हैव मेड रीमेक्स, नो राइट? सो या तो मैं ऑब्वियसली मैं एज अ म्यूजिशियन आई विल ऑलवेज ट्राई एंड डू द काइंड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक दैट आई बिलीव इन. सो इफ जिस दिन आप मुझे रीमिक्स गाते सुनेंगे तब आप भी यही सोचेंगे कि चलिए आदित्य बिक गया है अब, ही सोल्ड हिज सोल एंड ही इज मेड अ डील विद द डेविल. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट विद रीमिक्स, प्रॉब्लम जो है ना इट्स विद द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. क्योंकि हम क्वालिटी की बात करें तो जितने रीमिक्स बनते जा रहे हैं रीमेक बाय रीमेक क्वालिटी गिरती जा रही है, और क्वांटिटी की बात करें तो साल दर साल क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एवरी पासिंग ईयर द क्वालिटी ऑफ रीमेक्स इज डिटीरियोरेटिंग एंड द क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग बाय टेन फोल्ड. तो मुझे नहीं लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदी या इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर 1000 गाने बनते हैं उसमें अगर आप हर साल 1000 गानों में से 5-10 रीमेक्स बनाएंगे और उसको अच्छे से बनाएंगे, दिल से बनाएंगे, जैसे कि आपको एक्चुअली मन है उस रीमेक को बनाने का, और ये नहीं कि आप पैसों के लिए ठुकपट्टी कर रहे हैं, सो देन आई एम श्योर दैट पीपल विल ऑल्सो एंजॉय द रीमेक्स. क्योंकि एक सर्टन रिकॉल वैल्यू होता है, एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया होता है. सो देर आर सम रियली गुड रीमेक्स दैट हैव हैपेंड, बट मोस्ट ऑफ देम आर यू नो व्हाट दे आर. वो उनको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि यूट्यूब पे उनके लाइक और डिसलाइक बटन ही बंद कर दिए जाते हैं. सो यू नो व्हेन दैट इज हैपनिंग यू नो दैट इट्स नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. बट दैट बीइंग सेड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इट्स ऑलवेज इट्स नॉट अबाउट द रीमेक्स, इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. सो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल हैव एन इशू. पहले पहले जब रीमेक्स बनते थे तो हमको भी बड़ा मजा आ रहा था, अरे वाह भाई के पान बनारस वाला का रीमेक हुआ और यू नो अमित जी ने किया है और अभी इस जमाने के सुपरस्टार शाहरुख खान कर रहे हैं और तब कल्याण जी आनंद जी भाई किशोर दा एंड नाउ इट वाज शंकर एहसान लॉय एंड माय फादर मिस्टर उदित नारायण एंड या एंड देन इट केप्ट हैपनिंग हियर एंड देयर. स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक डिस्को दीवाने का रीमेक बना था जो भी मुझे बहुत पसंद आया था. फिर ये जब ये ज्यादा EDM आने लगा ना तो देन it kind of derailed a bit because I remember up until a point I myself was enjoying some songs, some classics being remade. Right.
अच्छा अगर बात की जाए, यू नो इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अपने म्यूजिक पर कितना फोकस कर पा रहे हैं? ऐसा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को या सुनने को मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने तो वैसे भी आई हैड अनाउंस्ड अ ब्रेक फ्रॉम टीवी फॉर 6 months इन मार्च, क्योंकि मुझे अपने म्यूजिक करियर पे और अपने एल्बम्स और म्यूजिक वीडियोस पे फोकस करना था. अब उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं ब्रेक अनाउंस करूंगा तो पूरी दुनिया मेरे साथ ब्रेक ले लेगी, लॉकडाउन हो जाएगा. या बट ऑन अ सीरियस नोट, आई मीन यू नो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड यू नो आई जस्ट आई प्रे एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द ये महामारी हमारे हमारी दुनिया से निकल जाएगी और एंड वी विल बी बैक, वी विल बी ऑन आवर फीट एंड लाइफ विल रिज्यूम बैक टू नॉर्मल. बट यस डेफिनेटली यू नो थोड़ा सा समय मिलता है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीस एंड क्वाइट, क्योंकि बाहर यू नो कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, बहुत ज्यादा गाड़ियां रिक्शा और टैक्सी नहीं चल रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं चल रहे हैं, ना ही ज्यादा लोग चल रहे हैं, तो आप खिड़की खोल के भी यू कैन हियर द विंड एंड यू नो यू कैन हियर बर्ड्स चर्पिंग, सो इट्स नाइस एंड इट्स पीसफुल डेफिनेटली. एंड ऑफ कोर्स जब भी माहौल जो है शांतिपूर्वक होता है उसमें क्रिएटिविटी बेटर ही होती है. जी अच्छा अगर बात की जाए यू नो आपका जो एक और ट्रैक है गोवा बीच, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबली हिट हो चुका है और लोग अभी भी मतलब उसको कंटिन्यूअसली गा ही रहे हैं, इट इज स्टिल ट्रेंडिंग यू नो सम ऑफ द चार्ट्स, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप गोवा बीच के लिए? आई मीन या इट्स थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर गिविंग सो मच लव टू गोवा बीच, एंड साथ ही साथ यू नो इट्स द काइंड ऑफ सॉन्ग, मैंने सुनते ही मैंने टोनी भाई और नेहू को बोला था कि हाँ ये गाना तो चलने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट, बिकॉज़ समटाइम्स सारी चीजें दे फॉल इनटू प्लेस, यू नो वीडियो भी अच्छा बन जाता है, पेयरिंग भी अच्छी हो जाती है और गाना भी लोगों को पसंद आ जाता है और अचानक फिर लोग उसको लिपसिंक करके फिर टिकटॉक बनाने लगते हैं और यू नो शेयर करने लगते हैं. सो इट्स फन, यू नो मुझे भी मजा आया एक एक म्यूजिक वीडियो में गाना गाने के बदले में मॉडलिंग करते हुए. And yeah, I'm happy that people have given it so much love. I think 150 million views ho gaye hain kuch 2 mahine ke andar, which is crazy. It's crazy. And of course, you know, Desi Music Factory is doing really well. Neha is a superstar. Tony is also, you know, he's on his way to becoming a superstar in independent music at least. He's definitely, him and Anshul have done a really good job. And yeah, so aur hamari jodi bhi achhi lagi logon ko, to और थोड़ा सा मजा आ गया. जोड़ी तो आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी लोगों को, अभी तक उस जोड़ी की चर्चाएं हो रहे हैं, बट अदर देन दैट अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने कहा यू नो इंडिपेंडेंट म्यूजिक, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पॉइंट चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो गए या एल्बम्स हो गए, यू नो सिंगल्स हो गए, ये सब एक्चुअली बूम पर है, बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपने कहा कि सब कुछ बहुत थम गया था, सिर्फ पिक्चर और गाने, पिक्चर और गाने, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा यू नो सॉलिड तरीके से सबके लिए है, एक बूमिंग प्लेटफॉर्म इस पॉइंट ऑफ टाइम. यस एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज डूइंग रियली वेल. And it should, because पूरे दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री फिल्म्स पे चलती है. Ours was the only country जहाँ पे ऐसा हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था, बट या आई गेस बेटर सेंस प्रिवेल्ड. एंड ऑल्सो आई थिंक द न्यूअर जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस जो यू नो अपकमिंग म्यूजिशियंस हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ बॉलीवुड से शायद घर ना चले, क्योंकि अब क्या होने लगा है, पहले एक बॉलीवुड फिल्म में 10 गाने होते थे और वो सारे पिक्चराइज होते थे और यू नो द सब्जेक्ट्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी फिल्मी, हीरो स्लो मोशन में भाग रहा है, यू नो शाहरुख सर अपनी बाहें फैला रहे हैं, बट अभी वो सब यू नो इट्स टेकन अ बैक सीट, मोर पीपल आर एंजॉयिंग मोर रियलिटी बेस्ड यू नो क्लोज टू रियलिटी सिनेमा, यू नो बहुत सारी अर्बन सेंट्रिक फिल्में बन रही है, रूरल सेंट्रिक इंडियन बेस्ड फिल्में बन रही है, कुछ पंजाबी कुछ नॉर्थ इंडियन. सो एंड अलोंग विद दैट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट बिकॉज़ द रियलिटी पार्ट ऑफ यू नो फिल्म्स इज बीइंग अप्रिशिएटेड, वो जो फैंटेसी पार्ट है फिल्म गानों का और ये वो कम हो रहे हैं, तो एक फिल्म में अभी ज्यादा से ज्यादा 2-3 गाने भी नहीं होते हैं, एंड उसमें भी स्टेपल होता है कि एक प्रमोशनल गाना होगा,
तो तीन ही जॉनर है आप बॉलीवुड में, तीन या चार जॉनर है, एक हैप्पी रोमांटिक, एक सैड रोमांटिक, एक आइटम नंबर और एक पार्टी. तो ये चार जॉनर्स हैं. यू नो प्रमोशनल सॉन्ग में यू यू विल प्रमोट द मे बी द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म. आइटम नंबर में यू नो सम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन विल शेक हर हिप्स और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मैन. एंड रोमांटिक गाने में रोमांस होगा और सैड रोमांटिक में दिल टूटेगा. तो बट द थिंग इज दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री और इन चार जॉनर्स के अलावा भी बहुत सारे जॉनर्स हैं. तो अब जो है आर्टिस्ट उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं. बहुत कुछ सालों पहले हमने पंजाबी म्यूजिक का एक्सप्लोजन देखा और अब हम यू नो R&B हिप हॉप रैप का एक्सप्लोजन देख रहे हैं. और बहुत जल्द आई एम श्योर दैट एंड इन फैक्ट इट्स ऑलरेडी हैपेंड यू नो लॉट ऑफ पॉप स्टार्स आर मेकिंग देयर वे मेकिंग यू नो रोमांटिक सॉन्ग्स एंड पॉप सॉन्ग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल दर्शन, दर्शन इज डूइंग वेरी वेल इंडिपेंडेंटली. उनके भी आते रहते हैं गाने वाने. सो टाइम्स हैव चेंज्ड यू नो एंड एंड वी हैव टू अडैप्ट विद द टाइम्स. एंड इट्स मोस्टली जो ऑडियंस पसंद करती है वो हम उनके लिए बनाए और साथ ही साथ हम जो पसंद करते हैं वो हम ऑडियंस को सुनाने की कोशिश करें. इट्स अ 50-50, वन फॉर यू वन फॉर मी. So yeah, so I'm very happy that the independent music scene is thriving. और मुझे तो राइट यहाँ पे एक फैन है इशिता, द रियल इशिता, उन्होंने पूछा है कि आपको पंजाबी गाने पसंद है या नहीं, और अगर पसंद है तो who's your favorite singer in पंजाबी इंडस्ट्री. I mean yeah, I like Punjabi music and I like Punjabi songs, but unfortunately I don't really understand Punjabi. तो वहाँ पे थोड़ी सी hindrance हो जाती है, of course, because you know there's also very very nice Tamil Telugu songs and musicians, but beyond a point you can't follow them because there is a language barrier. It's like watching a film with subtitles, you know. So as much as I like Punjabi music, I can't really listen to too much of it. But there's some mainstream artists जो उसको you know they combine it. Like, you know, all your Badshah and your Honey Singh, wo Hindi bhi gaate, English bhi gaate, Punjabi gaate. And there's a lot of, you know, Punjabi music is doing really well. You know, I keep, see, pop, these names keep popping up on my Instagram and YouTube. Ki is artist ke 200 million views hai, 300, 500 million views hai. Which is fantastic, man. I'm proud of you guys. And really glad that Punjab ke paas khud ka sirf ek film industry nahi. I think their music industry is bigger than their film industry. Yes. And you know they have their own local bread labels and it's amazing. They don't need anybody, they don't even need Bollywood, they're happy and they are successful Bollywood and they're rich and on their own. One state has achieved global stardom, not just stardom, superstardom. So good job guys. I hope that jo Punjabi independent music industry ne khud ke liye kiya wo Hindi independent music industry bhi अपने लिए कर पाए. इट्स एक्चुअली यू नो इट्स काइंड ऑफ अ केस स्टडी हाउ दे हैव अचीव्ड इट. सो या वेरी हैप्पी फॉर देम. एंड ऑफ कोर्स लाइक पंजाबी म्यूजिक में देयर इज ऑल दीस बिग आर्टिस्ट. यू नो आई हैव बीन लिसनिंग टू पंजाबी म्यूजिक सिंस द टाइम ऑफ गुरदास मान साहब एंड दलेर मेहंदी जी एंड नाउ टू ऑल द यू नो गुरु रंधावा एंड मिलिंद गाबा जस मानक जस्सी गिल. So Hardy Sandhu. So yeah, I'm aware of all of them. Of course, it's a little confusing ke who has sung what song again because of the language barrier. But they're all in my playlists. Yeah. Right. Also, yahan pe ek fan ne question pucha hai that what do you enjoy the most, acting, hosting, or singing? Music. That's I enjoy good. Music. Anything and everything related to music. I'm a musician. Baki sab to on the go seekh liya maine paise kamane ke liye. जी अच्छा अगर बात की जाए यू नो आपका आपकी एक फिल्म आई थी, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपकी फिल्म आई थी शापित, राइट? आई जेन्युइनली लव्ड, आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज़ मैं इंटरव्यू करूँ, आई जेन्युइनली लव्ड दैट फिल्म. एंड ऑल्सो मैंने बहुत लोगों को सुना है ये कहते हुए उसका जो एक गाना था कभी ना कभी दैट सॉन्ग इज जेन्युइनली वेरी प्योर वेरी ब्यूटीफुल. कैन यू प्लीज सिंग दैट सॉन्ग फॉर ऑल द फैंस हु आर वाचिंग यू राइट नाउ. Oh my God,
माय फ्रेंड्स हैव रीच्ड दिस चैट. मेरे कुछ दोस्त हैं नालायक दोस्त बचपन के, जो जहां जहां मैं लाइव जाता हूँ वो मुझे फॉलो करते हैं और गंदे गंदे कमेंट करते हैं. तो वो शुरू हो गए. एक अनुपम सरोज करके एक नालायक दोस्त है मेरा, जो खुद एक डायरेक्टर है और 32 साल का हो गया, बस दिमाग से अभी भी 4 साल का है. तो अभी वो मुझे पूछ रहा है कि मेरी कार 98 क्यों चुराई, क्योंकि हम पबजी खेलते हैं साथ में. राइट, अभी कमेंट आया था कि ये पूरा दिन पबजी खेलता है. यस एग्जैक्टली. सो कभी ना कभी, ओके, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है. कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है. ओ कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है. कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है. तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल. सी, मैंने तो रिक्वेस्ट किया ही था, बट यहाँ पे सारे लोगों ने उसके बाद तुरंत कमेंट करना शुरू कर दिया कि हाँ, इवन वी लव दैट फिल्म, वी लव दैट फिल्म. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, यू नो, क्योंकि हॉरर एक बहुत ही ऐसा जॉनर है जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि शूट करते वक्त बड़ा मजा आया, ये भी नहीं कह सकते कि बुरा लग रहा था शूट करते वक्त. हाउ डिड यू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट? आई डोंट रिमेंबर यार, ऑनेस्टली अब मुझे याद भी नहीं है. इट्स बीन 11 इयर्स सिंस आई शॉट शापित, तो 2009 की बात है. आई रिमेंबर हैविंग फन, यू नो, आई एंजॉयड द एक्सपीरियंस. किसको हीरो बनना अच्छा नहीं लगता है, यू नो. सो इनफैक्ट आई लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि मैं शापित को भी ना कहने वाला था, क्योंकि आई एम नॉट वेरी लाइक, यू नो, मैं मुझे ये नहीं है कि ओ माय गॉड मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट हो जाएगी अगर मैं एक्टर नहीं बना तो. सो मैं उस वक्त भी आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, म्यूजिकल अपॉर्चुनिटीज, के गाना मिल जाए या प्लेबैक मिल जाए या कुछ हो जाए. बट मैं सारेगामापा का होस्ट जब बना था, उसके बाद मुझे सिंगिंग से 10 गुना ज्यादा ऑफर्स एक्टिंग के आ रहे थे. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, व्हाई आर पीपल हेल बेंट ऑन मेकिंग मी एन एक्टर. एंड देन फाइनली अ कपल ऑफ वेरी वेल नोन एंड रेनाउंड डायरेक्टर्स कॉल्ड मी, विक्रम बीइंग वन ऑफ देम. तो विक्रम सर ने जब फिल्म मुझे ऑफर की तो मैंने बोला कि सर छोड़ो ना, नहीं, यू नो, वी आर वेरी कीन एंड दिस एंड दैट. एंड तो मैं लगा चलो, मैं आपको एक ही शर्त है मेरी फिल्म करने की, आप मुझे सारे गाने गवा देना, आप मुझे सारे गाने गवा दो, फिर आपको जो जहां कैमरा खड़ा करना है, जहां मुझसे जो करवाना है करवा लो. क्योंकि ऑब्वियसली एक फिल्म में कम से कम 4-6 गाने तो होते ही हैं. तो मैं बोला चलो मेरा काम हो जाएगा. सो दैट्स एक्चुअली द रीजन व्हाई आई डिड शापित, सो दैट आई कुड सिंग ऑल द सॉन्ग्स. एंड या सो ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस. आई विश ये आपने मुझसे सवाल 8-9 साल पहले पूछा होता तो थोड़ा और रीसेंट मेमोरी में होता. अ लॉन्ग टाइम इज पास्ट, राइट? बट जैसे यू नो, मैं पूछने वाली थी कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो गाने के अलावा, जिमिंग के अलावा और क्या क्या आप कर रहे हैं? क्या आप भी हमारी तरह बिंज वॉच कर रहे हैं? क्या आप भी हमारी नहीं, समय नहीं मिलता मुझे, आई एम वेरी बिजी. कुकिंग कर रहे हैं, यस डेफिनेटली. झाड़ू पोता में होता है दिन में और कुकिंग होती है. और आई हैव अ डॉग अप्रैल, शी इज अ लैब्राडोर, तो इनको भी नहलाना पड़ता है. साथ ही साथ क्या करता हूँ मैं, खाता हूँ, फिर जो पकाता हूँ, सोता हूँ, योगा करता हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ और गेम्स खेलता हूँ दोस्तों के साथ, पबजी खेलता हूँ, बुक पढ़ता हूँ. आई एम नॉट रियली टू मच ऑफ अ टीवी वॉचर, आई रियली लव वॉचिंग मूवीज, लेकिन मूवीज का असली मजा थिएटर में है. तो घर में हम थोड़ी बहुत फिल्में देखते हैं, बट बियॉन्ड दैट आई गेट अ बिट बोर्ड. वेब सीरीज मैंने एक आध देखी है. आई हैव सीन दिस वेब सीरीज कॉल्ड जामतारा, व्हिच इज फैंटास्टिक, नेटफ्लिक्स पे है, प्लीज वॉच इट इफ यू हैवंट सीन इट. और मेरे कुछ और दोस्त आ गए हैं पबजी के. देखो उसने सिर्फ सामने से लिख दिया, प्रज्वल ने पबजी. अरे खेलेंगे भाई, पहले मुझे जरा अपना सिंगल प्रमोट करने दो, पहले इतनी अच्छी हमारी यहाँ पे इतना प्यार से बात करनी है. मैं छोड़ दूँ मिस्टर, देखिए मेरा आईडी भी सबको पता है अब, बाबा योगा, बाबा यागा 87.
यागा. यहाँ पे सारे फ्रेंड्स जो है वो तो आपकी जान की चाय कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ इन सब से हटके, जिस तरह का इन्वायरमेंट यू नो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये पैंडेमिक सिचुएशन जो आई है उसके रिलेटेड बहुत लोग जो है जो यू नो चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसा हम हिंदी में कहते हैं उल्लंघन हो रहा है बहुत सारी चीजों का, रूल्स नहीं मान रहे, घर के अंदर नहीं बैठ रहे, तो आप ऐसे लोगों को कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको नहीं, मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज इनको थोड़ा एक दो दिन जेल में डाल दो और थोड़ा एंजॉय करने दीजिए इनको, असली क्वारंटीन में डालिए ना इनको, असली लॉकडाउन, लॉकअप, लॉकडाउन, इनको लॉकडाउन में नहीं, इनको लॉकअप में होना चाहिए. लॉकअप. और हमारे मास्टर सलीम जी, अरे कैसे हैं सलीम भाई, सो ही इज ऑल नाइन. और ये भी हमारे भाई भी यहाँ पे आए हैं, और नमस्कार सलीम भाई, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ आवर कंट्री, और मतलब कमाल का गाते हैं, मैं भी इनका फैन हूँ. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. तो जी, इनको लॉकडाउन में लॉकअप में डाल देना चाहिए और सब ठीक हो जाएगा. बट पुलिस अच्छा करती है, मैंने देखा है कुछ वीडियोस के जो बाइक वाइक पे के निकलते हैं सीधा जो पछाड़ी पर डंडे पड़ते हैं ना जी, तो क्या बोलते हैं लातों के भूत. तो ओवरऑल आई थिंक वी हैव अ वेरी सेंसिबल नेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर वेरी सेंसिबल, बट कुछ मिलते हैं हर जगह मिलते हैं. गिटार पे चार लाइन भी सुनाता हूँ. और यूट्यूब पे ये गाना रिलीज हो चुका है, आई थिंक करीब करीब 6 दिन हो गए हैं, इट्स गॉट ओवर 8 मिलियन हिट, सो थैंक यू फॉर द लव. जिन्होंने भी सुना है इतनी भारी तादाद में, थैंक यू वेरी मच. और जिन्होंने नहीं सुना है, चार लाइन मुझसे सुनिए और फिर वहां जाके सुनिए, और फिर वहां पे जाके सुनिए और देखिए भी, बहुत खूबसूरत म्यूजिक वीडियो है. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल पीपल के इस म्यूजिक वीडियो और इस गाने के जितने भी जो भी पैसे कमाते हैं, इट्स ऑल गोइंग टू द पीएम केयर्स फंड इन द बैटल अगेंस्ट कोविड. सो आई एम, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग टू मेक मनी, इट्स जस्ट प्योरली फॉर द लव ऑफ द आर्ट. एंड या प्लीज वॉच इट, थैंक यू. आसमां छोड़ के ये जमीन छोड़ के, तेरे मेरे सिवा सब यहीं छोड़ के, कयामत तलक बस दोनों रहे, ये सिफारिश मैं रब से करूं. मैं डूबा प्यार में, मैं डूबा रहूं, मैं डूबा रहूं तेरे प्यार में, मैं डूबा रहूं. वाह, जितनी अच्छी आपकी आवाज है उतना ही अच्छा ये गाना भी है. ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया आदित्य कि इस गाने से रिलेटेड जो भी मनी आएगा वो पीएम केयर फंड में जाएगा, बिकॉज़ दैट्स अ वेरी गुड कॉज आई मस्ट से. तो ये कहाँ से आपके पास थॉट प्रोसेस आया? आई मीन द थिंग इज दैट आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये ऑब्वियसली जब गाने पे हम काम कर रहे थे एडिट पे और जब इसका पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा था, सो वी डिडंट एक्सपेक्ट के ऐसा होगा हमारी दुनिया के साथ और कोविड होगा और हम लॉकडाउन में होंगे. तो यू नो आई वाज एप्रिहेंसिव कैसे इस दौरान रिलीज करूं या नहीं करूं, लोगों का क्या मूड होगा, वो कुछ देखना सुनना चाहेंगे या नहीं. बट देन आई रियलाइज ओवर द इयर्स के ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज के लोग जो भी घर पे बैठे हुए थे सारे, वो दे वर ऑल टर्निंग टू आर्ट एंड आर्टिस्ट. सो दे वर ईदर यू नो रीडिंग बुक्स और लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग म्यूजिक वीडियोज और वॉचिंग फिल्म्स और यू नो वेब सीरीज. तो मैं बोला कि चलिए, जब व्हेन पीपल आर इन फैक्ट टर्निंग टुवर्ड्स आर्ट, तो मैं भी अपना एक डाल देता हूं और देखता हूं कि लोगों को कैसा लगेगा. एंड साथ ही साथ ऑफ कोर्स यू नो द सिचुएशन इन इंडिया आल्सो वाज कंटेन्ड रियली वेल, बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी डेली वेज वर्कर्स जो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस में जिंदगी काट रहे हैं. तो उनके लिए मुझे ऐसा लगा कि यू नो लेट मी जस्ट ट्राई एंड डू माय बिट.
एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी समझता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मेरे गाने से बहुत पैसे आएंगे, तो हमने एक मिनिमम कैप रखा है 1 लाख का, तो वी विल डेफिनेटली बी डोनेटिंग 1 लाख टू द पीएम केयर्स फंड वेदर माय सॉन्ग मेक्स मनी और नॉट, बट फॉर्चुनेटली इट लुक लाइक के यू नो इट्स डूइंग वेल, सो इट्स गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू. और इनफैक्ट म्यूजिक इज नॉट समथिंग दैट आई डू फॉर मनी, एंड म्यूजिक इज ऑल्सो नॉट समथिंग जो मैं पैसों के लिए करना चाहूंगा. तो टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक आई एम डूइंग वेल इन लाइफ, आई एम मेकिंग इनफ मनी, बट कहीं ना कहीं यू नो बिकॉज आई हैव माई ओन इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल आई नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग दीज म्यूजिक वीडियोज एंड आई एम ऑल्सो रिलीजिंग दीज म्यूजिक वीडियोज एंड बोथ दीज थिंग्स रिक्वायर मनी. लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर when I believe के मैं financially एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे इन गानों से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, या मैं shows और मैं television से ही I am sustaining my living, I'm going to make all my music and music videos just completely free and for charity. So everything that I will make probably in the next 2-3 years onwards will all go to good causes and to empowering and educating the world. Right. नहीं ऐसा कहते हैं कि जब कोई नेक बंदा कोई नेक काम के लिए you know कुछ करता है तो जरूर उसको help मिलती है. तो definitely ये गाने को भी लोग और भी ज़्यादा पसंद करेंगे. Already 7-8 million views आ चुके हैं, which is tremendous. और भी ज़्यादा views आएंगे. बट यहाँ पर एक स्पेशल कॉमेंट है जो मैं जरूर करना चाहूंगी. रितिका कामत ने लिखा है, आदित्य 1997 में जब आपको बेस्ट क्वीन अवार्ड मिला था तब हमने अपने नेफ्यू का नाम आदित्य रखने का डिसाइड किया था. नाउ ही इज आल्सो मल्टी टैलेंटेड एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक यू. सो स्टे ब्लेस्ड. ओह वंडरफुल, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कमेंट. थैंक यू सो मच यार. एंड इट्स एक्चुअली लाइक आई एम टच्ड. एंड जी बिल्कुल सही बात है कि मुझे बेस्ट चाइल्ड प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, जो एक्चुअली कैटेगरी होती नहीं है, बट माय सॉन्ग हैड बिकम सच अ बिग हिट दैट दे गेव मी एन अवार्ड. इन फैक्ट माय फादर आल्सो वन अ स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर दैट इवनिंग. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इवनिंग्स ऑफ माय लाइफ, क्योंकि यू नो इट वाज फादर एंड सन विनिंग एन अवार्ड ईच. एंड या एंड नाउ इट मेक्स इट ऑल द मोस्ट स्पेशल, क्योंकि आपने उस अवार्ड फंक्शन को देखकर और मुझे देखकर उस बच्चे का नाम आदित्य रखा. और एंड आई होप एंड आई प्रे दैट वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम और मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड बन जाए. इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा. आदित्य थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालकर हमसे बात करने के लिए, फैंस के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए. एंड जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? स्टे होम, स्टे सेफ. बस कुछ ही दिन बचे हैं यार, लेस देन 2 वीक्स नाउ. हमने बहुत सारा समय बिता दिया है घर पे. और थैंक यू फॉर इस आज्ञा का पालन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. इट जस्ट गोज टू शो कि हम कितने समझदार लोग हैं और कितने इंटेलिजेंट लोग हैं और समझते हैं. वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अंडरस्टैंडिंग. एंड यू नो वी आर ऑल डूइंग आवर बिट. हम कोशिश कर रहे हैं जितना आपको एंटरटेन कर सके उतना करें. हम म्यूजिक वीडियोज रिलीज कर रहे हैं, गाने रिलीज कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, मूवीज अड्डा पे आकर लाइव बात कर रहे हैं आपसे. तो यू नो वी आर मेकिंग श्योर दैट आप कभी बोर ना हो घर पे बैठे बैठे. बट एट द सेम टाइम थैंक यू फॉर स्टेइंग एट होम. और बस कुछ ही दिन बचे हैं तो प्लीज यू नो आज्ञा का पालन कीजिए और इसमें हम सबकी भलाई है. और प्लीज गो एंड वॉच मैं डूबा रहा हूँ ऑन YouTube. Yes, thank you so much Aditya for talking to us and all the very best for your future projects as well. Thank you so much. Nice, lovely talking to you and jaldi milenge. Yes, tada, bye, take care. So, ye the Aditya Narayan hamare saath jo ki extremely hot, extremely cute aur I must say he's very, very, very charming because jab bhi aap unse baat karte ho to sirf aur sirf unhe dekhte reh jate ho. But other than that, guys, जो भी लोग यहाँ पर है, मूवीज अड्डा का इंस्टाग्राम पेज जिसपे अभी आप लाइव देख रहे हो उसको जाओ फॉलो करो और ये इंटरव्यू वहां अपलोड हो जाएगा और इस तरह के और भी इंटरव्यूज आते रहेंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच ईच एंड एवरी इंटरव्यू. और मूवीज अड्डा का जो इंस्टाग्राम पेज है जिस पर अभी आप ये देख रहे हैं, आई एम रिपीटिंग, आप उस पेज को जाकर फॉलो कीजिए. ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज मैं लेकर आती रहूंगी. और अभी तो आज तो आदित्य आए थे, कल और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आएंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सॉरी डू नॉट फॉरगेट टू
follow our Instagram channel Movies Adda. Or as I see that oh my god, so many comments. So thank you so much jitne bhi log jude. Ruby Singh, absolutely, he is so handsome and charming as always. Yes, he is handsome and charming, definitely. Or jitne bhi log